हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल डीएम टैरोट। ये आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन के हवाले से रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप सब उन मैसेजेस को कंसीडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब करें, फिर दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी आपके पार्टनर की जो नेक्स्ट एक्शन है वो क्या है। टू ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर जो है दो चीज़ों में जकल कर रहे हैं, या दे वॉन्ट्स टू बी ब्रिंग बैलेंस बिटवीन टू थिंग्स। ये दो चीज़ें दो पर्सन भी हो सकते हैं, ये दो चीज़ें दो पार्टनर्स भी हो सकते हैं। और यस, दिस इज द जगलिंग पीरियड बिटवीन देम। लाइक यस, देर आर लॉट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कन्फ्यूजन। दे हैव टू मेक अ डिसीजन बट दे आर नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन। लाइक वो सेल्फिश होके सोच रहे हैं, वो सेल्फिश होके जो है वो अपने लिए सोच रहे हैं। हो सकता है कुछ फाइट्स और राइवलरीज हैं उनके अराउंड में जो कि ना ख़त्म होने वाले हैं। वो कुछ हार्श डिसीजंस भी ले सकते हैं क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। वो अपने अदर ऑप्शंस को ओपन रख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जकल कर रहे हैं। वो आपके और किसी और पर्सन के दरमियान बहुत ज़्यादा जकल कर रहे हैं। अगर नहीं तो जस्ट आपके और अपनी फैमिली के दरमियान जकल कर रहे हैं या आपके और वर्क के दरमियान जकल कर रहे हैं। तो वो उन्हें किसी एक चीज़ को कट आउट करना है। लाइक कट आउट तो नहीं, जस्ट किसी एक तरफ अपना माइंड लगाना है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस है, फाइट्स है, राइवलरी है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, उनकी इमोशनल लाइफ जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है इस सिचुएशन में। या फिर कुछ लोगों की ये सिचुएशन हो सकती है कि वो पर्सन जो है अपने अदर ऑप्शंस को भी कंसिडर कर रहे हैं और वो दो चीज़ों को लेकर चल रहे हैं एक साथ। दे आर फाइटिंग फॉर देमसेल्फ। ओके, वन मोर कार्ड हियर। यार डेफिनेटली देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन फॉर सम ऑफ यू। दे आर इनडिसाइसिव व्हाट टू डू, व्हाट डिसीजन दे शुड मेक। सो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ या अगेन टू ऑफ सोर्ट्स, तो वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे किस पर्सन को उन्हें कंसीडर करना है क्योंकि वो अपना फैसला कर चुके हैं कि उन्हें किस पर्सन को चूज़ करना है। हो सकता है वो उस पर्सन को के साथ रहना चाहते हो जिसके साथ उनके इमोशनली अटैचमेंट है, और एक पर्सन जो है वो उनकी फैमिली की तरफ से जो है वो उनके ऊपर फोर्सफुली जो है वो मुसल्लत किया गया है। सो दिस कैन बी अ बर्डन ओवर देम। लाइक वो अपने लव इमोशंस के लिए जो अपनी लव लाइफ के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं टिल द एंड। मे बी दे आर डीलिंग विद अ सैजिटेरियस। या पेशेंसली, या देयर इज अ सैजिटेरियस पर्सन। दे आर हैविंग सीक्रेट रिलेशनशिप। लाइक ये सिचुएशन हर किसी के लिए नहीं है। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ सिचुएशन लाइक कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, सीक्रेट रिलेशनशिप है। बट ये भी हो सकता है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा पेशेंटली बिहाइंड द सीन कुछ एक्शंस ले रहे हैं टूवर्ड देयर लाइफ। और ज़रूरी नहीं है कोई थर्ड पार्टी हो, वो जस्ट अपनी लाइफ के हवाले से कोई डिसीजन लेना चाहते हों और वो डिलेज चाह रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं अपने लाइफ में पहले, और उसके लिए वो थोड़ा सेल्फिश होके सोच रहे हैं, वो सेल्फिश होके सोच सकते हैं। सो दैट वाज योर रीडिंग पाइसेस। इफ इट रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।